हेलो स्टूडेंट आई एम डॉक्टर अनुबन शिवाल एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ ऑनलाइन लेक्चर इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स एंड मेन जो टॉपिक है इस ऑनलाइन लेक्चर का वो है लीनियर स्पैन और इस टॉपिक के अंदर हम लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे पास में एक थ्यूरम की फॉर्म में है तो इस थ्योरम में हम देखेंगे कि लीनियर स्पैन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो स्टार्ट uh, करते हैं थ्योरम से थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार इफ़ एस एंड टी आर सब सेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ दैन हमें ये पांच जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूफ करनी है और दिया हुआ है कि एस और टी जो है वो दो सबसेट हैं हमारे वेक्टर स्पेस वी एफ के सबसे फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि अगर एस जो है वो टी का भी सबसेट है तो हमें दिखाना है कि एस का जो लीनियर स्पैन होगा और टी का जो लीनियर पैन होगा उसमें भी क्या होगा सेम जो रिलेशन है एस और टी के बीच में वही इन दोनों के बीच में भी होगा यानी कि अगर एस टी का सबसेट है तो एल एस भी एल टी का सबसेट होगा सेकंड है कि अगर एस जो है वो एल टी का सबसेट है तो एल एस जो है वो भी एल टी का सबसेट होगा एंड थर्ड में कि एस यूनियन टी का जो स्पैनिंग सेट है वो एक्चुअली बराबर होता है एल एस प्लस एल टी के एंड फोर्थ में हमें प्रूफ करना है कि अगर एस और एस वी की उपसेमिस्ट्री है यानी कि एस जो है वो एक वेक्टर सब स्पेस है तो हमें प्रूफ करना है कि जो उसका स्पैनिंग सेट होगा वो एस के बराबर होगा एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है कि अगर एल एस का भी स्पैनिंग सेट बनाया जाए तो वो अगेन वापस एल एस के बराबर आ जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट को स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि एस जो है वो टी का सबसेट है तो हमें प्रूफ करना है कि एल एस जो है वो भी एल टी का सबसेट होगा तो इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे एल एस में हम कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और उस एलिमेंट को अगर हम एल टी के अंदर बिलोंग करवा देते हैं तो दैट मीन्स कि एल एस जो है वो क्या हो जाएगा एल टी के एल टी का सबसेट हो जाएगा तो यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया है एल्फ़ा जो कि किसका एलिमेंट है एल एस का है और अगर वो एल एस का एलिमेंट है तो उसे हम एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ एल्फ़ा को मैंने इन फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए आई एंड एल्फ़ा ही लिखा जहाँ पर ए आई जो है वो फील्ड के एलिमेंट्स है और एल्फ़ा आई जो है वो हमारे एस जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं और समीशन जो है आई कोस टू वन टू एन चल रहा है अब हमें दिखाना है कि ये अल्फ़ा जो है वो अगर एल टी में बिलोंग कर जाए तो एल एस जो है वो क्या हो जाएगा एल टी का सबसेट बन जाएगा तो यहाँ पर चूँकि हमें दिया हुआ है कि एस जो है वो टी का सबसेट है इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन जिन्हें हम अल्फ़ा आई से भी डोनोट कर सकते हैं वो सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं टी के अंदर भी बिलोंग करेंगे क्योंकि एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं टी से लिए गए हैं और अगर अल्फा आई जो है वो एलिमेंट टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो अल्फा आई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा आई के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जो टी का स्पैनिंग सेट है उसके अंदर बिलोंग करेंगे इसका मतलब अल्फा आई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर वो एल टी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को स्टार्टिंग में हमने क्या नाम दिया था अल्फ़ा इसका मतलब अल्फा जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास में एल टी का एलिमेंट हो जाएगा बट हम लेकर क्या चले थे कि अल्फा जो है वो एल एस का एलिमेंट है और हमने दिखाया कि इसमें है अल्फा को एल टी में दिखाया है इसका मतलब एल एस जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में एल टी का सबसेट हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रूफ करना है कि अगर एस जो है वो एल टी का सबसेट है तो एल एस जो है वो क्या होगा एल टी का सबसेट होगा अब यहाँ पर एस जो है वो एल टी का सबसेट है ये ध्यान रखना हमें तो हमने एक एलिमेंट लिया एल्फा चूँकि हमें फिर से वही प्रूफ करना है कि एल एस इज अ सबसेट ऑफ एल टी तो हम एक एलिमेंट एल एस का लेकर चलेंगे और लास्ट में उसको एल टी के अंदर बिलोंग करवा देंगे तो एल एस एल टी का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया एल्फा और एल्फ़ा का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है ए आई एल्फा आई यानी कि एल्फ़ा कैन बी रिटर्न एज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फा आई एंड ए आई यहाँ पर ए आई हमारे फील्ड के एलिमेंट है और एल्फा आई चूँकि ये एस का स्पैनिंग सेट है तो एल्फा आई जो है ये एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं एस से लिए गए हैं तो यहाँ पर हमने एल्फा एक एलिमेंट लिया है एल एस का और इसके बाद में हमें गिवन है ये कि एस जो है वो सबसेट है एल टी का यानी कि एस के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं एल टी से आ रहे हैं टी के स्पैनिंग सेट से आ रहे हैं इसका मतलब कि एस के जो ये एलिमेंट्स है एल्फ़ा वन वो भी एल में बिलोंग करेगा एल्फ़ा टू वो भी एल में बिलोंग करेगा एल्फा एन वो भी एल में बिलोंग करेगा इस तरीके से जितने भी एल्फा आई एलिमेंट्स हैं एस के वो किस में बिलोंग कर जाएंगे एल के अंदर बिलोंग कर जाएंगे तो दिस इम्प्लाइज एल्फ़ा आई जो है इट बिलोंग इन टू एल टी वेयर आई इक्वल्स टू वन टू एन इसके बाद में अगर एल्फ़ा आई एल टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इनके जो और लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी हमारे पास में किस में बिलोंग करेगा एल टी के अंदर बिलोंग करेगा तो यहाँ पर ए आई एल्फा आई आई क्वल्स टू वन टू एन इस टाइप के एलिमेंट्स भी किसके अंदर चले जाएंगे हमारे पास में एल टी के अंदर बिलोंग कर जाएंगे जबकि ये एलिमेंट हमने माना क्या था स्टार्टिंग में कि ये एल्फ़ा है इसका मतलब अल्फा जो है वो एल टी के अंदर बिलोंग कर जाएगा दिस इंप्लाइज कि ये एलिमेंट हम लेकर चले थे एल एस में और ये बिलोंग कर गया एल टी के अंदर इसका मतलब एल एस इज़ अ सबसेट ऑफ एल टी नेक्स्ट जो है थर्ड हमें प्रूव करना है कि अगर uh, हम एस यूनियन टी का एक स्पैनिंग सेट बनाएं तो वो स्पैनिंग सेट जो है वो बराबर होगा एल एस प्लस एल टी के अब यहाँ पे चूंकि बराबर प्रूफ करना है तो बराबर प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है ये दोनों चीज़ें तभी आ, आ, ट्रू हो सकती है जब ए बराबर हो बी के तो यहाँ इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए भी हमें यही दिखाना होगा कि एल एस यूनियन टी जो है इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी देन अगेन हमें दिखाना पड़ेगा एल एस प्लस एल टी इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी अब दोनों स्टेटमेंट तभी ट्रू हो सकते हैं जब एस यूनियन टी का स्पैनिंग सेट बराबर हो एल एस प्लस एल टी के तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया एक एलिमेंट लिया एल्फा और एल्फा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा एन प्लस ए एन एल्फा एन प्लस बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू बी एम बीटा एम ये हमने क्या किया है एल्फा एक एलिमेंट लिया है स्पैनिंग सेट ऑफ एस यूनियन टी से क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि एल एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी फर्स्ट तो हमें ये दिखाना है सेकेंड हमें दिखाना है कि एल एस प्लस एल टी इज अ सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी ये दोनों स्टेटमेंट तभी ट्रू हो सकते हैं जब हमारे पास में एल एस यूनियन टी बराबर हो एल एस प्लस एल टी के तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि हमको एलिमेंट एल्फ़ा एल एस यूनियन टी से लेकर चलें और लास्ट में उस एलिमेंट को एल एस प्लस एल टी के अंदर अगर हम बिलोंग करवा देते हैं इसका मतलब एस एल एस यूनियन टी इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी हो जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया एल्फ़ा एक एलिमेंट लिया एल एस यूनियन टी से और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है यहाँ पर आने वाले जितने भी ए वन ए टू ए एन बी वन बी टू बी एम है ये सारे क्या हैं फील्ड के एलिमेंट है और ये जो एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन बीटा वन बीटा टू बीटा एम ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो किसके एलिमेंट हो जाएंगे एस यूनियन टी के क्योंकि एस यूनियन टी का क्या है ये स्पैनिंग सेट है तो एस यूनियन टी के स्पैनिंग सेट में वही एलिमेंट आएंगे जिन्हें हम एस यूनियन टी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें तो यहाँ पर एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा वन बीटा वन बीटा टू बीटा एम ये एस यूनियन टी के क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन ये तो हमारे एस के एलिमेंट्स होंगे या एस के सबसेट्स होंगे और बीटा वन बीटा टू बीटा एम जो हैं वो हमारे टी के एलिमेंट होंगे या फिर टी के सबसेट होंगे ये दोनों चीज़ें होंगी हमारे सब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट है ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए एन एल्फा एन हमारे पास में एल एस के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फ़ा एन जो है ये हमारे पास में किसका एलिमेंट होगा एस का एलिमेंट होगा तो एल एस के अंदर ऐसे वैक्टर्स बिलोंग करेंगे जिन्हें हम एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें तो ए वन एल्फ़ा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए एन एल्फ़ा एन ये क्या है एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एल्फ़ा वन एल्फ़ा टू एल्फा एन की फॉर्म में तो ये कि इसमें बिलोंग कर जाएगा एल एस के अंदर बिलोंग कर जाएगा इसी तरीके से हमने अभी अभी, अभी देखा था कि बीटा वन बीटा टू और बीटा एम ये है टी के एलिमेंट्स तो एल टी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिन्हें हम बीटा वन बीटा टू बीटा एम के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें तो यहाँ पे बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू प्लस बी एम बीटा एम ये क्या है टी के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स ये किस में बिलोंग कर जाएगा एल टी के अंदर बिलोंग कर जाएगा अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें इन दोनों टर्म्स को जोड़ दें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में किस में बिलोंग कर जाएगा एल एस प्लस एल टी के अंदर ए वन एल्फ़ा वन प्लस ए टू एल्फ़ा टू प्लस ए एल्फ़ा एन प्लस बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू एन बीटा एम बी एम बीटा एम ये एलिमेंट जो है इस तरीके का ये बिलोंग कर जाएगा एल एस प्लस एल टी में जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो एलिमेंट है इसे हमने एल्फा माना था और ये एल्फा एलिमेंट हमने लिया था एल एस यूनियन टी से एल एस यूनियन टी से हमने ये एल्फा लिया था लेकिन लास्ट में हमने क्या दिखाया कि एल्फ़ा जो है वो एलिमेंट हो गया एल एस प्लस एल टी का इसका मतलब एल एस यूनियन टी जो है वो सबसेट हो जाएगा एल एस प्लस एल टी का तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हम क्या करेंगे अब हमें इसे वाइस वर्षा भी प्रूफ करना है तो अब हम कोई एलिमेंट लेंगे एल एस प्लस एल टी के अंदर और उसे हम बिलोंग करा देंगे एल एस यूनियन टी के अंदर तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया एल्फ़ा जिसे हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा के फॉर्म में और जहाँ पर बीटा जो है वो एलिमेंट है एल एस का और गामा जो एलिमेंट है वो है एल टी का तो बीटा प्लस गामा टाइप के एलिमेंट हमारे बिलोंग कर जाएंगे एल एस प्लस एल टी के अंदर बीटा जो है वो एस के अवयवों का तथा यहाँ पर ये यह जो गामा है वो टी के अवयवों का क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्योंकि बीटा जो है वो एल एस में बिलोंग कर रहा है और एल एस के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिन्हें हम एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें एल टी के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिन्हें हम टी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें तो यहाँ पर बीटा जो है उसे हम लिख सकते हैं एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में और गामा को हम लिख सकते हैं टी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा जो है वो एस यूनियन टी के अवयवों का भी क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास में इसका मतलब बीटा प्लस गामा जो है वो बिलोंग कर जाएगा एल एस यूनियन टी के अंदर दिस एम्प्लाईज एल एस जो एल एस प्लस एल टी जो है वो जाएगा सबसेट एल एस यूनियन टी का यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो बीटा प्लस गामा टाइप का एलिमेंट जो हम लेकर चले थे एक्चुअली में इन इस जो वेक्टर है इसको हम एस यूनियन टी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि एस यूनियन टी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो एस में भी हैं और टी के अंदर भी है और अभी अभी हमने देखा कि बीटा प्लस गामा जो है वो एल एस प्लस एल टी के अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब बीटा प्लस गामा को हम एस और टी दोनों के वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं और दोनों के वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें कहाँ मिलेगा दोनों के जो वैक्टर्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे एस यूनियन टी के अंदर इसका मतलब बी प्लस जो गामा है वो हमारे पास में बिलोंग कर जाएगा एस यूनियन टी के स्पैनिंग सेट के अंदर और ये एलिमेंट बी प्लस गामा हम लेकर चले गए एल एस प्लस एल टी में ये बिलोंग कर गया एल एस यूनियन टी में दैट मीन्स ये एल एस प्लस एल टी इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा तो समीकरण एक और दो ये दोनों समीकरण तभी ट्रू होंगे जब हमारे पास में एल एस प्लस एल टी जो है वो बराबर हो जाएगा एल एस यूनियन टी के नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि अगर एस वी का एक वेक्टर सब स्पेस है और यहाँ पे इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन है तो हमें प्रूफ करना है कि एल एस जो है वो बराबर होगा एस के माना एस जो है वो एक वेक्टर सब स्पेस है वी एफ का देन हमें प्रूफ करना है कि एल एस जो है वो बराबर होगा एस के और फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं कि एस जो है वो वेक्टर सब स्पेस है और हम इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे सेकेंड हम लेकर चलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है और हम उसे वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करेंगे तो एस वी एफ का क्या है एक सब स्पेस है तो एस जो है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए क्या होगा क्लोज होगा यानी कि एल्फा आई अगर एस का एलिमेंट है और ए आई अगर हमारा फील्ड का एलिमेंट है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं ए आई एल्फा आई जो है वो अगेन किस में बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर अगर एल्फा आई और ए आई एस का एलिमेंट है तो इनका जो सम आएगा मतलब इनका वेक्टर एडिशन अगर हम करेंगे तो वो एडिशन भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आई कॉस्ट टू वन टू वन ए आई एल्फा आई ये किस में बिलोंग कर जाएगा हमारा एस के अंदर बिलोंग कर जाएगा और इस एलिमेंट को हमने कुछ सिम्पलीफाई करने के लिए नाम दे दिया एल्फा यानी कि एल्फा इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वन टू एन ए आई एल्फा आई बिलोंगिंग इन टू एस अतः अब यहां पर अगर एल्फा जो है वो एस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो एल्फा एल एस के अंदर भी बिलोंग करेगा दिस एम्प्लाइज एल्फ़ा जो है एस का एलिमेंट हो गया डैट मीन्स एल एस जो है इज़ अ सबसेट ऑफ एस हो गया एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना है कि एल एस जो है वो एस के बराबर है और बराबर प्रूफ करने के लिए अभी अभी हमने देखा कि पहले हमें दिखाना होगा एल एस इज़ अ सबसेट ऑफ एस और एस इज़ अ सबसेट ऑफ एल एस या दोनों स्टेटमेंट तभी प्रूफ हो सकते हैं ट्रू हो सकते हैं जब एल एस जो है वो क्या हो एस के बराबर हो तो so फर्स्ट हमें क्या दिखाना है कि एल एस जो है वो सबसेट है एस का इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने देखा कि एल्फ़ा इक्वल्स टू ए आई एल्फ़ा आई टाइप के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास में किस में बिलोंग कर रहे हैं एस में बिलोंग कर रहे हैं जबकि एल्फ़ा जो है वो हमारे पास में एक्चुअल में एलिमेंट किसका था एलएस का एलिमेंट था क्योंकि एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जाने वाला हर एक वेक्टर जो है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा एलएस के अंदर बिलोंग करेगा तो यहाँ से एल्फ़ा जो था वो एलएस का एलिमेंट था लेकिन यहाँ हमने देखा कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कारण ये जो अल्फा है वो किस में बिलोंग कर गया एस में बिलोंग कर गया लेकिन इसको हम लेकर चले थे किसके एल के अंदर दैट मीन्स इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं एल एस इज़ अ सबसेट ऑफ एस ये हमारे पास में क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गई और मोस्ट जो केसेस होते हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि एस अगर हमारे पास में कोई सबसेट है वी का और उसका अगर हम स्पैनिंग सेट बना रहे हैं तो स्पैनिंग सेट जो है ऑलवेज उस सेट को क्या करता है कंटेंट करता है उसको कंटेंट करने वाला सबसे न्यूनतम सेट होता है ये हमने थ्योरम में अर्लियर ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा है तो ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है थ्योरम से तो यहाँ हमने देखा एल एस इज़ ए सबसेट ऑफ एस यहाँ थ्योरम से हमने देखा कि एस इज़ ए सबसेट ऑफ एल एस दिस एम्प्लाइज मेरे पास में क्या हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा एल एस के या हम एल एस बराबर भी क्या लिख सकते हैं एल एस लिख सकते हैं तो यहाँ हमने देखा कि अगर एस एक वेक्टर सब स्पेस है तो एल एस जो है वो बराबर होगा एस के अब हम प्रूफ करेंगे कि यदि एल एस एस के बराबर है तो क्या एस वी की उप बनेगा या नहीं बनेगा नाउ हमें प्रूफ करना है कि अगर एल एस बराबर है एस के तो एस जो है वो क्या होगा सब स्पेस होगा इसके लिए हमने क्या किया कि इफ़ एल एस जो है वो वी के हमारे पास में क्या है उप है देन एलेस जो है वो अपने एस के बराबर होता है यानी कि अगर हम लेकर चल रहे हैं एल एस बराबर है एस के ये हमने अर्लीयर एक थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर एल एस हमारे पास में एक वेक्टर सब स्पेस है तो वो अपने ही जनरेटिंग सेट के क्या होता है बराबर होता है अब हम यहाँ ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं कि एल एस जो है वो एस के बराबर है इसका मतलब एल एस जो है वो वी का क्या है एक वैक्टर सब स्पेस है थ्योरम के स्टेटमेंट से दिख रहे हैं हम ये लाइन तो एल एस अगर वी का सब स्पेस है और एल एस जो है वो एस के बराबर है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं इधर की साइड वाला पार्ट जो है वो भी एक वैक्टर सब स्पेस है तो ऑब्वियसली एस भी क्या होगा वी एफ का एक वैक्टर सब स्पेस होगा यही हमें प्रूफ करना था नेक्स्ट हमें दिखाना है कि अगर लीनिया uh, मतलब स्पैन का फिर से अगर स्पैन लिया जाए तो वापस किसके बराबर आ जाता है एल एस के बराबर आ जाता है अभी अभी हमने देखा कि अगर एस जो है वो एक वेक्टर स्पेस है अभी जो हमने इस प्रॉपर्टी uh, के अंदर प्रूव किया है वो क्या था अगर एस सब स्पेस है वी एफ का तो इस एस का लीनियर स्पैन बराबर होगा किसके एस के बराबर हो जाएगा मतलब इसी सेट के बराबर हो जाएगा अब ये वाला स्टेटमेंट हम इसी रिज़ल्ट से प्रूव करेंगे यहाँ पर हमने क्या लिया एल एस जो है वो एक सब स्पेस है वी एफ़ का इसका मतलब अगर इस एल एस का हम फिर से पैनिंग सेट लें तो इस प्रॉपर्टी से वो किसके बराबर हो जाएगा वापस एल एस के बराबर हो जाएगा तो इन प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि लीनियर पैन जो है वो किस किस तरीके से वर्क करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर इस थ्योरम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट डौ, है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं ये जो वीडियो है वो जे डी बी कॉलेज के यूट्यूब हैंडल पर आपको प्लेलिस्ट में बी एस सी पार्ट थर्ड ईयर मैथ्स में मिलेगा थैंक यू